हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और यहाँ पर आपको आज साइंस पढ़ाया जाएगा और ये तैयारी आप जानते हैं, ग्रुप डी रेलवे पटवार रीड थर्ड ग्रेड टीचर अध्यापक वनपाल फॉरेस्ट गार्ड जो होता है, और जितने भी राज्यों की पुलिस विभाग की वैकेंसी है उन सभी की तैयारियाँ कराई जाती है इस चैनल पर आपको। और मेनली आपको यहाँ पर साइंस और मैथ्स की क्लास कराई जाती है, हैं? तो यदि इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यहाँ पे हर चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जीरो से पढ़ाया जाता है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। तो आप अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्ले लिस्ट में जाएँ और स्टार्टिंग से वीडियो को देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आज के टॉपिक किस पर चर्चा करेंगे, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संतुलित बल और असंतुलित बल, और उसके बाद मैंने कहा था कि आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपका घर्षण। क्या स्टार्ट करेंगे? घर्षण है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसकी चर्चा करेंगे आज हम। तो देखिए घर्षण, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि घर्षण क्या होता है। जो किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, किसी तल पर यदि वो रखी हुई है तो जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं तो उस वस्तु की उस तल पर जो गति होती है तो उस वस्तु की गति का विरोध करे, उसे क्या कहेंगे हम, घर्षण कहेंगे, हैं? घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो हमारे द्वारा लगाए गए बाह्य बल या वस्तु की गति के दिशा दोनों की समान होती है, क्योंकि जिधर बल लगाएंगे उधर वस्तु की गति होगी, लेकिन उसके विपरीत से जो बल लगता है, जो उसको रोकने का प्रयास करता है वस्तु को, वही क्या कहलाता है आपका, घर्षण कहलाता है या घर्षण बल कहलाता है। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए आप, जैसे ये कोई तल है, ठीक है, ये कोई क्या है, ये तल या समतल है, ठीक है। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ये एम द्रव्यमान का कोई वस्तु रखी हुई है, ये एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है, हैं? और इसका भार सपोज करो आप, ये एम द्रव्यमान की जो वस्तु है इसका भार मान के चलो आप 10 kg, हैं? 10 kg का है ये, ठीक है। और एक बल हम इधर से लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये 20 N का है, 20 N का बल लगाएंगे एफ वेक्टर, हैं? अब इसको जो 20 N का बल लगा रहे हैं, इसे हम, इसको नाम दे देते हैं वस्तु या ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये किसी तल पर रखी हुई है, ये कोई तल है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, 10 kg इसका द्रव्यमान है और इसको 20 N का बल लगाया जा रहा है इस दिशा में, एरो लगा रखा है मैंने, हैं? और इसकी प्रारंभिक अवस्था अभी मान के चलते हैं u = 0, जो इसकी स्थिति है वो क्या है, विराम अवस्था में रखी हुई है, ये वस्तु विराम अवस्था में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है ऐसा ही तल के ऊपर, तो इसकी प्रारंभिक जो गति होगी u = 0 होगी। तो इस कंडीशन में क्या कहता है ये, कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन्स का द्वितीय नियम था जो न्यूटन जी ने बोला था, F = ma, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पहले, हैं? F = ma, तो यहाँ से देखो, अगर मैं F की वैल्यू 20 N रख देता हूँ और m की वैल्यू 10 और इंटू a, तो a जो है हमारा त्वरण वो क्या निकल के आएगा, 20/10 और ये कैंसिल, 10 × 20, तो जो a होगा हमारा वो 2 m/s² आएगा हमारा,
कहने का ये मतलब है कि जब 20 न्यूटन का बल हमने 10 केजी की वस्तु पर आरोपित किया तो उसके अंदर प्रति सेकंड 2 मीटर का त्वरण उत्पन्न हो गया है। यानी ये वस्तु जो जीरो थी इसकी अवस्था वो एक सेकंड में कितना 2 मीटर उसमें चेंजेज आएगा है प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। तो 2 मीटर ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगले जो सेकंड में हर सेकंड में 2 मीटर की क्या आएगी उसमें त्वरण उत्पन्न होगा है, यानी उसकी वृद्धि होगी, वेग में परिवर्तन जो होगा वो हर सेकंड 2 मीटर का, 2 मीटर का क्या होगा उसमें वृद्धि उत्पन्न होगी, त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु चलना चाहिए। जब हमने वस्तु पे बल लगाया और हमें यहाँ से दिख रहा है कि a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का बल लग रहा है त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसमें, तो यानी अब वस्तु चलना चाहिए, लेकिन वस्तु नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि उस वस्तु को अभी भी कुछ रोक रहा है जो दूसरा बल है। तो वो बल कौन सा है? वही घर्षण बल है जो कि इसके विपरीत लग रहा है। अब अगर वस्तु नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात है कि 20 न्यूटन का बल लगाने के बाद भी है इतना त्वरण उत्पन्न होना चाहिए और वस्तु नहीं चल रही है, तो 20 न्यूटन का ही एक विपरीत बल लग रहा है जिसे क्या कहेंगे हम? घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। तो इस तरह से घर्षण बल वो बल होता है जो क्या होता है कि किसी भी वस्तु को, जो वस्तु किसी संपर्क तल पे या समतल पे या तल पर रखी हुई है, हैं, और उस तल पर कार्य जो होता है घर्षण बल, वह बल वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्षिक गति का विरोध करता है। अब सापेक्षिक गति क्या होगी? जो एक तल पर दूसरी वस्तु गति करती है वो सापेक्षिक गति कहलाती है, रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन जो होता है, अब जैसे ये है, ये तल है, ये तल पे ये वस्तु गति करेगी तो ये सापेक्षी गति करेगी, इस तल के सापेक्षी गति करेगी ये, तो इस गति का विरोध करे तो वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ समझाया कि वैसे तो वस्तु चलनी चाहिए क्योंकि त्वरण उत्पन्न हो गया तो चलनी चाहिए, लेकिन वस्तु नहीं चलती है। इसका कारण यह है कि इतने ही न्यूटन का बल विपरीत दिशा से लग रहा है, तो इस कंडीशन में वस्तु स्थिर रहती है और वो लगने वाला विपरीत दिशा से जो बल लग रहा है, जो वस्तु को रोक रही है, वो क्या कहलाती है? घर्षण बल कहलाती है। और अर्थात अभी भी वस्तु क्या है? संतुलित अवस्था में है। तो अब मैंने आपको पढ़ाया था F बराबर जीरो की कंडीशन, F बराबर जीरो में अभी भी है वो है। तो इस तरह से घर्षण, तो अब मैं घर्षण की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, घर्षण की डेफिनेशन है। तो देखिए घर्षण की डेफिनेशन में देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी भी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की जो उस वस्तु की सापेक्षिक है सापेक्षिक गति का विरोध करे, क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। ठीक है, सापेक्षी गति का विरोध करे। अभी मैंने आपको बताया था ये कोई तल है, ये कोई समतल है, इस पे कोई पिंड रखा हुआ है, हैं, ये सपोज करो 10 न्यूटन का है, ये पिंड सपोज करो आप 10 न्यूटन का है, 10 केजी का है, और इस पे बल लग रहा है 20 न्यूटन का, तो ये सरकना चाहिए, लेकिन जो बल है, जो घर्षण है, वो कहता है कि हम नहीं चलने देंगे, नहीं सरकने देंगे इसको आगे, तो यानी वो भी क्या है? 20 न्यूटन का विपरीत बल लगा रहा है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? घर्षण कहलाती है। अब डेफिनेशन देखो आपके घर्षण बल का, ये चीज़ तो क्या कहलाती है? घर्षण कहलाती है। और अब डेफिनेशन लिखेंगे हम घर्षण बल का। तो घर्षण बल क्या होता है कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, कौन सा बल? वह बल जो
वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है। बात आ रही समझ में? संपर्क तल पे कैसे कार्य करता है? जैसे ये है, ये कोई तल है तो कोई भी वस्तु इससे टच होनी चाहिए, यानी इससे संपर्कित होनी चाहिए। ये वस्तु है मान के चलो 10 kg वाली हमारी है और ये 20 N का बल है, तो ये इसके संपर्क में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अगर तल है और वस्तु यहाँ रखी हुई है, हवा में उड़ रही है, तो यहाँ घर्षण नहीं होगा। यहाँ घर्षण कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इसके बीच में संपर्क नहीं हो रहा है। तो वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? संपर्क तल पर, समझ में आ रही है? तथा सापेक्षिक गति का विरोध करे, तथा मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, तथा सापेक्षिक गति का विरोध करे। सापेक्षिक गति का विरोध हो रहा है, इधर से बल लग रहा है और ये संपर्कित है तल के साथ, तो इसको आगे चलना चाहिए, लेकिन इसके सापेक्ष जो गति होना चाहिए बल की दिशा में, जो वस्तु की गति भी इधर होगी उसके विपरीत दिशा में भी एक बल लग रहा है, जिसे कहते हैं हम घर्षण बल, जो क्या कर रहा है, इसको संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, यानी F बराबर 0 की कंडीशन में रखना चाहता है वो। तो वो क्या कह रहा है कि सापेक्षिक गति का विरोध करें। सापेक्षिक गति बोले तो रिलेटिव मोशन, मोशन का विरोध करें तो ये बल घर्षण बल कहलाता है। बात आ गई समझ में आपको? मैंने यहाँ घर्षण और घर्षण बल दोनों आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो क्या देखिए, दोनों के मैंने डेफिनेशन लिखी है, सेम ही है, बात एक ही है वो, कि घर्षण जो होगा वो किसी वस्तु का वह गुण होगा जो उस वस्तु की सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। घर्षण, वो वस्तु चलना चाहती है लेकिन वो नहीं चलने देगा, वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, वो घर्षण कहलाता है। जैसे कि वही एग्जाम्पल अपना, किसी तल पर 10 kg का पिंड रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, 20 N का उसे बल देते हैं, तो इस दिशा से बल दे रहे हैं तो वस्तु आगे चलना चाहिए, लेकिन घर्षण के कारण वो 20 N का बल जब विपरीत लग रहा होगा, या वस्तु में इतना मतलब क्षमता होगा कि लगाया गया बल उस पर कार्य नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहलाता है, वो घर्षण कहलाता है। जैसे आपने कभी किसी भारी वस्तु को, वो कुछ भी हो सकता है, हैं, बेरल हो सकता है, कोई वेटेड वजन हो सकता है, कोई संदूक या बॉक्स हो सकता है, कोई अलमीरा हो सकता है आपका, आपने उसको खसकाने का प्रयास किया होगा, जब आप खसकाते हैं तो ताकत लगाते हैं तो नहीं खसकता है, तो नहीं खसकने की कंडीशन क्यों है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक घर्षण बल लग रहा है जो उधर से विपरीत दिशा में लग रहा है। जब आप सोचते हो कि अब मुझसे नहीं खसकेगा, तो आप घर के किसी मेंबर को बुलाते हो, एक जने को, और बोलते हैं आओ थोड़ा इसको खसकाना है। जब आप दोनों जने मिलके उस पर बल लगाते हो तो इसका मतलब अब आपका बल ज़्यादा हो गया, तो जैसे आप खसकाते हो तो उसमें एक जमीन पर जो घर्षण, जिस पर जमीन पर अलमारी रखी हुई है, संदूक रखी हुई है, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है चिर 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 चिराहट टाइप की, हैं, जैसे वो सरकता है, घिसने की आवाज़ आती है, तो वो ही क्या होता है, घर्षण कहलाता है, हैं। तो अब घर्षण बल, वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, यही वाली बात, संपर्क तल पर ही कार्य करेगा घर्षण बल, तथा सापेक्षिक गति, इन दोनों के बीच में जो गति होती है उसका विरोध करता है, तो ये बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं थोड़ा सा चीज़ आपको बोलूँगा और समझाऊँगा, यदि आपको लिखना है तो उसको लिख लीजिए नोट्स फॉर्म में। जैसे कि क्या होता है, देखिए कि क्षैतिज तल पर, हैं, क्षैतिज तल बोले तो वही अपना अर्थ जमीन, ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल पर जो अपनी भूमि है या जमीन है, हॉरिजेंटल क्षैतिज तल पर रखी वस्तु को, किसी भी वस्तु को यदि बल लगाकर गति दिया जाए, यानी उसको बल की दिशा में खिसकाने का प्रयास किया जाए, तो कुछ समय के बाद वस्तु
हाथों हाथ तो नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको खसकाने में ताकत लगानी पड़ेगी, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो वस्तु गतिमान हो जाती है, हैं? तो वो विराम अवस्था में रखी थी पहले, पहले तो आपकी अलमीरा रखी हुई थी ना ऐसे कैसे ही, आपने उस पर बल लगाया, तो बल लगाने के बाद क्या होता है, वो विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में आ जाती है। इसका कारण ये होता है कि उस इसका कारण है कि घर्षण बल उस गति का विरोध करता है जिसको आप दे रहे थे बल लगाकर, बाहरी बल लगाकर जो आप गति दे रहे थे, तो उस गति का विरोध करते हुए उस लगाए गए बल के विपरीत दिशा में तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु विराम अवस्था में ना आ जाए या संतुलन को प्राप्त ना हो जाए। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपने कितना बल लगाया, आखिर तो वो संदूक या आपकी जो भी अलमीरा थी वो रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि घर्षण बल कार्य कर रहा था, आपने जितना बल लगाया उतना ही खसका है वो, बाकी जबकि क्या है, बल लगाने का मतलब है कि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया तो उसकी उसमें गति होना चाहिए, हैं? त्वरण उत्पन्न हो रहा है, अभी पहले जो मैंने बताया था आपको त्वरण उत्पन्न होने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अभी आप किसी फर्श पे या किसी मैदान में गेंद लुढ़काते हो, बॉल, क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल आप ऐसे लुढ़काते हो, तो आपने लुढ़काने के लिए क्या किया, उसमें बल लगाया, उसको ताकत दी, तो उस लगाए गए बल की वजह से जिधर आपने उसको लुढ़काना चाहा जिस दिशा में, उसकी दिशा में लुढ़क रही है, लेकिन एक समय पर जा कर के वो बॉल रुक जाती है, तो उसका कारण ये है कि जो घर्षण बल है उस गति का विरोध करता है, उस लगाए गए बल के विपरीत दिशा से विरोध करता है, और वो तब तक विरोध करता है या तब तक कार्य करता है जब तक कि वस्तु विराम अवस्था में यानी आपकी गेंद रुक ना जाए, यानी F बराबर जीरो संतुलित ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, तब तक वो बल विपरीत दिशा से कार्य करता है, वही क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। बात आ गई समझ में? तो आप चाहो तो इसे बार बार सुन सकते हो या आप इसको लिख सकते हो, नोट्स बना लेना अपना, मैंने कल भी कहा था कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए आप। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको लिखाता हूँ, अब देखिए नोट लगा के मैं दो तीन चीज़ें आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे, देखना नोट में। पहला पॉइंट है पहला पॉइंट क्या होगा आपका कि जो घर्षण बल की दिशा है, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होगी, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होगी, होगी ना? घर्षण बल की दिशा किधर होगी? सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होगी, तभी तो वस्तु रुकेगी, नहीं तो वस्तु तो चलती ही जाएगी, फिर रुकेगी कहाँ, घर्षण नहीं रहेगा तो, है ना? यह पहला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आप खास ख्याल रखें और ध्यान रखें, ठीक है? ठीक, अब क्या होता है कि घर्षण बल जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी दिशा सदैव क्या होगी, वस्तु के गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। अब घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, ना कि गति का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट लिखा देता हूँ मैं, घर्षण बल सदैव दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति यानी वही रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, ना कि गति का। याद रखना आप ये चीज, हो सकता है आप कहीं बोल दो कि गति का विरोध करता है, गति का विरोध कैसे करेगा वो, गति का विरोध तो जब करेगा ना, गति का विरोध कैसे करेगा, क्यों? क्योंकि गति का मतलब ये थोड़ी कि कोई चीज़ किसी के संपर्क में आ रही है। अभी कोई चीज़ निर्वात में अगर गति करे तो वो भी गति कहलाएगी, लेकिन वहाँ कहाँ घर्षण पैदा होगा,
उस वहाँ पे कहाँ घर्षण बल लगेगा। बात आ रही है आपके समझ में? जब तक कोई वस्तु किसी के रिलेटिव में ना आए, यानी रिलेशन में ना आए, हैं, वो किसी से संपर्कित ना हो, वो किसी से जुड़े ना, समझ में आ रहा है? जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बॉन्ड कर दो, यानी उसकी गति उसके ऊपर फिसलती हुई जानी चाहिए, यानी उससे संपर्कित रहनी चाहिए, हैं, इस तरीके से। ये हमारी अगर अर्थ है, तले समतल है, तो ये वस्तु है, तो इससे ये संपर्क होके चलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये आपस में एक दूसरे पे रिलेटिव होनी चाहिए, रिलेट होने चाहिए, सापेक्षिक होनी चाहिए, तब जाके आपका ये घर्षण बल सदैव दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ना कि गति का। ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है? तो ये किसकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है, हैं, ना कि गति का, ठीक? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब घर्षण बल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। आपके जो घर्षण बल है, ये जो आपका जो घर्षण बल है, घर्षण बल, ये मुख्यतः कितने प्रकार का? के प्रकार। ये आपका मुख्यतः कितने होते हैं? तीन प्रकार के हैं। पहला कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण बल, हैं, स्थैतिक घर्षण बल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। पहला। दूसरा आपके होगा सीमांत घर्षण बल, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा होगा आपका गतिक घर्षण बल, है, क्या होगा? गतिक घर्षण बल, जिसे डायनेमिक या काइनेटिक, अलग अलग किताब के अंदर इस तरह से लिखा है, कहीं काइनेटिक लिखा हुआ है, कहीं डायनेमिक लिखा हुआ है ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपके घर्षण बल के प्रकार हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गति घर्षण बल, जिन्हें स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपको घर्षण क्या है, घर्षण बल क्या होता है, ये कहाँ कार्य करता है, इसकी दिशा क्या होती है, ये किन वस्तुओं के बीच में, मतलब किस स्थिति में कार्य करता है, ये सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक बिल्कुल बारीकी से बाय डायग्राम अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आपको समझाया वो आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को पॉज करके देखें और हर एक बात को देखें और समझें, फिर भी कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स करें। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है, आप यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अभी का जो ये दौर है, जिस दौर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये समय हमारे भारत देश के पूरा संपूर्ण विश्व ही एक तरह से देखा जाए तो पेंडेमिक से जूझ रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी स्थिति बहुत ख़राब है। तो मेरा आप सभी लोगों से, स्टूडेंट्स से, भाइयों से, सभी से निवेदन है कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। और मैं ये भी जानता हूँ कि घर से बाहर निकले बिना काम चलेगा नहीं, किसी को काम करना पड़ता है, किसी को ड्यूटी जाना पड़ता है, किसी को घर संभालना पड़ता है, तो आप पूरी एहतियात सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ, बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं। मास्क हमेशा यहाँ तक कवर करें, नाक के ऊपर तक, हैं,
और सैनिटाइज की एक छोटी बोतल रखें, किसी भी चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइज करें। आप कोई सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं ऑफिस में, या किसी भी चीज़ को आप छू रहे हैं, पहले सैनिटाइज कर लें हाथ को। और सावधानी से रहें, क्योंकि देखिए आप बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं, पता नहीं किस दौर से किस स्थिति से आप गुजरते हुए आ रहे हैं। घर में आपके परिवार हैं, तो भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और आप लोग एक अच्छे नागरिक और समझदार व्यक्ति होने का परिचय दें और अच्छी तैयारी करें। एग्ज़ाम जब भी होना होगा तब आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मुझे एक सीट निकालना है और मेरा सिलेक्शन मुझे कराना है। बस इतना सा आपका ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ हैं कि इस दौर में आप काफ़ी केयरफुल रहें और प्राणायाम, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत करते रहें, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर भी बरकरार रहे। इसी के साथ आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।